गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं जो ही आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल की टीचर, क्लास फोर्थ के लिए ईवीएस लेके आई हूँ। ईवीएस में जो आपका थर्ड चैप्टर है शेल्टर्स फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के जो घर हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एनिमल्स को भी शेल्टर की ज़रूरत होती है, इसलिए ज़रूरत होती है अपने आप को हीट से, कोल्ड से, रेन से, और जो एनिमीज हैं दुश्मनों से बचा के रखें। इसलिए आपको पता ही है एनिमल्स जो हैं आपके अर्थ पे हर जगह मिल जाएंगे आपको। जो कुछ एनिमल्स जो हैं वो खुद अपना घर खुद बनाते हैं, और कुछ जो हैं वो नेचुरल प्लेसेस को चूज़ करते हैं, उस जगह को ढूंढ लेते हैं। अब जो लैंड एनिमल्स हैं, नेक्स्ट आपका एक टॉपिक जो स्टार्ट है वो है लैंड एनिमल्स। लैंड एनिमल्स जो पृथ्वी पे जो एनिमल्स रहते हैं, ज़मीन पे जो एनिमल्स रहते हैं, कौन कौन से एनिमल्स हैं वो तो आप सभी को पता है। वो तो लायंस, मंकीज, वॉल्स, फॉक्सेस, बियर्स, इतने सारे एनिमल्स हैं आपके। तो जो आपके लायन है और फॉक्स है, ये किस कहाँ रहते हैं? केव में रहते हैं, मतलब गुफा में। गुफा पहले से बना हुआ ही रहता है। तो उस अपनी लायंस जो है घर जो है खुद नहीं बनाता, बने हुए पहले से ही जो गुफा वगैरह होता है उसी में वो अपना घर ढूंढ लेते हैं। और मंकी जो है वो मंकी और आपके जो बर्ड्स हैं वो कहाँ रहते हैं? ट्री पे रहते हैं। ट्री जो है उनको डेंजरस एनिमल से बचाते हैं, जैसे कि लायन से, हाइनस से, चीता से। इससे किसको बचाते हैं? मंकीज को, बर्ड्स को, इन जानवरों से। इनको ट्री जो है एक तरफ से इनके लिए एक सुरक्षा का काम करती है, उनका जो घर है सुरक्षित घर है उनके लिए। स्क्वायरल जो है वो कहाँ रहती है? स्क्वायरल ट्री होल में रहती है। ट्री में होल करके वहीं पे वो रहती है। और ट्री में होल वो खुद नहीं करती है, वो पहले से ऑलरेडी घर रहता है, या किसी अन्य जानवर या अन्य पक्षियों के द्वारा बनाया गया जो होल होता है, ये स्क्वायरल जो है ढूंढ के उसमें अपना घर बना देती है। समझ गए? जो लैंड एनिमल्स हैं वो अपना घर बनाते नहीं हैं, खुद ढूंढ लेते हैं। वो कहीं भी किसी भी जगह अपना घर ढूंढ के रहने लगते हैं लैंड पे ही। और एनिमल्स अंडर द ग्राउंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका। एनिमल्स जो है वो ग्राउंड के जो अंडर रहते हैं, अंदर रहते हैं ज़मीन के अंदर, वो एनिमल्स कौन कौन से हैं आपके? रैबिट हो गए आपके, रैबिट हो गए, मॉल्स हो गए। ये सब क्या करते हैं कि ज़मीन में होल करके एक ट्यूनल बना के उसके अंदर रहते हैं। स्नेक भी आपके हैं, स्नेक भी उसी के अंदर रहते हैं। स्नेक, रैबिट्स, रैट्स, अदर एनिमल्स जो हैं ऐसे ही होल बना के वो रहते हैं। नेक्स्ट है आपका वाटर एनिमल्स। वाटर एनिमल्स जो हैं आपके पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स और ओशियन, इन सब में आपको देखने को मिल जाएगा। वाटर इनका घर है। ये जो एनिमल्स हैं, टर्टल, फिश, ऑक्टोपस, स्टार फिश, इन सब का घर कौन सा है? ये पानी के अंदर ही रहते हैं। ये पानी के अंदर रहने वाले जानवर हैं आपके, टर्टल, फिश, ऑक्टोपस, एनिमोन्स्टर, ये जो हैं ये सब क्रैब्स हो गए आपके, ये पानी के अंदर रहने वाले जानवर हैं। ठीक है, ये पानी के अंदर ही रहते हैं आपके। नेक्स्ट है आपका जो पानी के अंदर भी रहते हैं और पानी के बाहर भी रहते हैं, वो कौन कौन से जानवर हैं आपके? फ्रॉग हो गए, क्रोकोडाइल हो गया, स्लेमेंडर हो गया, ये सब पानी के अंदर भी रहते हैं और पानी के साथ साथ ये ज़मीन पे भी रहते हैं। तो ये जो जानवर हैं आपके पिक्चर में देख सकते हो, फ्रॉग है, न्यूट है, स्लेंडर्स है, क्रोकोडाइल है, ये सब पानी के अंदर भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्पाइडर्स वेब। स्पाइडर्स वेब मतलब जो मकड़ी जाल, वेब मतलब जाल, जो मकड़ी जाल बनाती है उसके बारे में है ये। वो कैसे बनाती है जाल, क्या करती है स्पाइडर, और जाल क्यों बनाती है? वो इसलिए बनाती है, उस जाल में क्या होता है कि इंसेक्ट्स फंस जाते हैं, तो ये अपने लिए एक तरफ से ये जाल इसलिए बनाती है जिससे ये जो इंसेक्ट्स को उसमें कैच कर सके, बंद कर सके और खा सके। तो एक सिलिकन थ्रेड होता है जो लिक्विड जैसा होता है, ये मकड़ी के स्पाइडर के मुंह से एक लिक्विड सा निकलता है, लिक्विड फॉर्म, और वो उससे क्या करती है, वो जाल बुनती है, स्ट्रॉन्ग थ्रेड बनाती है। ठीक है, एक मजबूत धागा बनाती है और उससे ये पूरा कवर करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो जाल कैसे कर रखा है, देखो कैसे बना रखा है, ये स्ट्रॉन्ग होता है
जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उड़ के जैसे इस पे बैठ जाते हैं तो क्या करती है मकड़ी, झपट्टा मार के जल्दी से उसे कैच कर लेती है, इंसेक्ट को खा जाती है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका नेक्चुरल एनिमल्स। इसका मतलब ये है वो एनिमल्स हैं जो आपके, मतलब जैसे कि अगर ये एनिमल्स, ये जो है आपके रेड, कॉकरोच, मॉस्किटो, ये जो एनिमल्स हैं ये वैसे एनिमल्स हैं, वैसे इंसेक्ट्स हैं जो ये रात को ही बाहर निकलती हैं। ये मोस्टली जो हैं ये नाइट्स को ही बाहर निकलती हैं, इसलिए इनको नेक्चुरल एनिमल्स बोलते हैं। ये ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में रहते हैं। डेजर्ट एरिया मतलब जहाँ रेतीला स्थान हो वहाँ रैट्स हो गए, मॉस्किटोज हो गए, कॉकरोच हो गए एंड मॉथ्स आर सम ऑफ द नेचुरल एनिमल्स। आपका मॉथ जो है ये मॉथ जिसे बोलते हैं ये कीट, एक तरफ से ये देखो इस तरह से दिखता है ये कीट, हिंदी में इसे कीट बोलते हैं। ठीक है, ये सब जो है आपके ज़्यादातर रात के ही निकलते हैं, रात को ही शिकार करने निकलते हैं, अपना भोजन ढूंढने ये रात को ही निकलते हैं। और ये जो है आपके नेचुरल्स एनिमल्स हैं। नेक्स्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है मैं आपको भेज दूंगी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि बर्ड्स अपने नेस्ट कैसे बनाती हैं और उन बर्ड्स के नेस्ट जो हैं किस किस तरह के हैं, कैसे कैसे टाइप्स के हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज मैं भेज दूंगी। ठीक है बच्चे, उसको अपने नोटबुक में नोट कर लेना।